देखिए अचानक से शाहरुख खान की जवान मूवी से बड़ी खबर आ गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे बट अब जल्दी अल्लू अर्जुन की भी कास्टिंग होने जा रही है इस जवान फिल्म में। तो आइए जानते हैं आखिर ये सब हुआ कैसे। तो भाई सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अभी फिल्म का शूटिंग का लास्ट पोर्शन चल रहा है। दो दिन पहले शाहरुख खान चेन्नई चले गए हैं एटली कुमार के अड्डा पर मूवी के शूटिंग के लिए, और एटली कुमार भी लोकेश कनकराज जैसे ही तरीका अपनाना चाहते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिवर्स का क्रिएशन का। जैसे लोकेश कनकराज ने विक्रम फिल्म के लास्ट में केमियो किया था ना रॉलेस का, ठीक इसी प्रकार ही एटली कुमार अपने जवान के लास्ट में एक मेगा स्टार की कास्टिंग करना चाहते हैं, और जिसके लिए वो अल्लू अर्जुन के पास पहुंचे हुए थे ऑफलाइन बात करने के लिए, और उन्होंने अपना आगे का प्लान भी सुनाया है अल्लू अर्जुन को और अप्रोच भी कर दिया है इस फिल्म में केमियो करने के लिए। लेकिन अभी तक अल्लू अर्जुन हाँ तो नहीं बोले इस प्रोजेक्ट के लिए, अभी भी वो सोच विचार कर रहे हैं। बट हम 100% मान के चल सकते हैं अल्लू अर्जुन बिल्कुल हाँ ही बोलेंगे जवान में केमियो करने के लिए। और वैसे भी अल्लू अर्जुन अपने पिछले कई सारे इंटरव्यू में बोलते हैं, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा ड्रीम है उनके साथ काम करूँ किसी फिल्म में। सो मेरे भाई अब उनकी जवान फिल्म से ड्रीम भी पूरा होने वाला है। देखिए जो एटली कुमार का जवान बन रहा है उसमें काफी बड़ी प्लानिंग किया जा रहा है। सुनने में आया है कि इसमें थालापति विजय सर का केमियो करने का भी प्लान है। शायद उन्होंने अपना जवान का शूट का पोर्शन भी निपटा दिया है पहले ही। और जो विजय सर के लियो की बात की फिल्म आएगी वो एटली कुमार के साथ ही फाइनल हुआ है और वो भी इस जवान यूनिवर्स का हिस्सा होगा। लेकिन ये अभी तक नहीं बताया गया आखिर ये जवान किस कैटेगरी की फिल्म बन रही है, कॉप या स्पाई थ्रिलर या फैमिली ड्रामा या गैंगस्टर टाइप की, इसके रिगार्डिंग कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वेल पहले देख लेते हैं अल्लू अर्जुन कब जवान के लिए हाँ बोलते हैं और उनका रोल कैसा होता है इस मूवी में। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।